प्रोग्रामिंग फॉर डाटा साइंस, यानी कि डाटा साइंस के लिए आपको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग और टूल्स रिक्वायर्ड हैं ये आज मैं आपको बताऊंगा। ये मेरी रिसर्च है। तो डाटा साइंटिस्ट इस वक्त लाखों नहीं करोड़ों रुपया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कमा रहे हैं। डाटा साइंटिस्ट पाकिस्तान में बैठकर रिमोट जॉब कर रहे हैं और लाखों रुपया महीने का कमा रहे हैं। तो डाटा साइंटिस्ट इस वक्त मोस्ट डिमांडिंग जॉब है इन 2024। डेटा साइंटिस्ट की सबसे टॉप प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो पाइथन है। ठीक है, पाइथन इस वक्त सबसे टॉप और मोस्ट डिमांडिंग एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारी चीज़ें इसमें पाइथन में पाई जाती हैं। ठीक है जी, वाइडली यूज फॉर डेटा साइंस ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी एंड एक्सपेंसिव लाइब्रेरीज लाइक नमपाई, पांडा एंड मैटप्लॉट्लिब। ये वो मैंने आपको पाइथन की लाइब्रेरीज बताई हैं जो डेटा एनालिटिक्स, डेटा बिजनेस इंटेलिजेंस, मशीन इंटेलिजेंस, बिजनेस सपोर्ट डिसीजंस और बिजनेस डेवलपमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस फेलियर, बिजनेस सक्सेस, हर चीज को फाइंड आउट करने के लिए पाइथन का इस्तेमाल वाइडली हो रहा है। ठीक है जी, सो उसके अलावा नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका नाम है आर, अनदर पॉपुलर लैंग्वेज विद स्ट्रॉन्ग स्टेटिस्टिकल कैपेबिलिटीज एंड ए लार्ज कम्युनिटी फॉर डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। आर प्रोग्रामिंग जो है वो ये सेकेंड नंबर पे आती है। पहले नंबर पर आपकी पाइथन आ रही है। पाइथन इस वजह से पहले नंबर पे है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ये डेवलपमेंट ही पाइथन में हुई है। तो डेटा साइंस कंप्लीट, यानी कि जो आपको सिस्टम मिलेगा वो पाइथन में मिलेगा, लेकिन आर जो है, आर प्रोग्रामिंग भी काम किया जा रहा है। उसके लिए आपको आर स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा और आर का आईडी इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिस तरह पाइथन के लिए एनाकोंडा इंस्टॉल करना पड़ेगा या गूगल कोलैब। गूगल कोलैब पे भी आप पाइथन कर सकते हैं। मैंने आपको यूट्यूब की वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल पर। उसके बाद है तीसरे नंबर पर आती है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये भी डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा इसका वाइडली इस्तेमाल हो रहा है। इसेंशियल फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट एंड क्वेरिंग, क्रूशल फॉर वर्किंग विद स्ट्रक्चर्ड डाटा, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए, डाटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डाटा वेयर हाउसिंग के लिए। ठीक है जी, इसके लिए एसक्यूएल लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है वाइडली। ठीक है जी, उसके बाद डाटा साइंस के जो मेथड्स हैं वो पाइथन के हैं, मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज हैं, स्किट लर्न है पाइथन की एंड कैरेट आर, आर की कैरेट लाइब्रेरी जो बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डिप्लॉय करने में इस्तेमाल की जा रही है। कैरेट डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स हैं लाइक मैटप्लॉटलिब है, सीबॉर्न है पाइथन का एंड जी जी प्लॉट टू है दैट हेल्प इन क्रिएटिंग इनसाइटफुल विजुअल्स। ठीक है जी, बिग डेटा के टूल्स हैं अपाची हदूप है, स्पार्क है, काफका है और यूज फॉर हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट्स एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। अच्छा, अपाची हदूप में आप, अब स्पार्क और काफका में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अपाची हदूप हम करेंगे, तो यहाँ पर ये अपाची हदूप आप देख सकते हैं। ये इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ मैनी कंप्यूटर टू सॉल्व मैसिव अमाउंट्स ऑफ डाटा। इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसके अंदर जरिए से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है स्पार्क और काफका। ये अपाची हदूप मैंने आपको दिखाया। स्पार्क, स्पार्क भी ज़बरदस्त, यानी कि यूज़ किया जा रहा है डाटा एनालिटिक्स के लिए, मशीन लर्निंग के लिए और डाटा साइंस की एप्लीकेशन स्पार्क में यूज़ हो रही है। तो इसको हम गेट स्टार्टेड करेंगे। इसकी यहाँ से आप ये स्पार्क अपाची डॉट, ये इंटरेक्टिव नर्सिंग स्पार्क शेल बेसिक्स हैं, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है काफका। नंबर 33 पर जो टूल आ रहा है वो काफका है। काफका वैसे एपीआई डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, अपाची काफका। एपीआईज में इसका काफ़ी रोल है, जिसके अंदर प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो बनते हैं वो काफका में ही बनते हैं। अच्छा, इसमें एक लैंग्वेज मॉडल से दूसरे लैंग्वेज मॉडल में जाना है तो काफका के जरिए आप जाएंगे। उसके अंदर भी काफका का भी जो मशीन लर्निंग और डाटा साइंस में काफ़ी ज़्यादा काम है। इसकी कम्युनिटी में आप जाएंगे तो ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग देखते हैं काफ़ी सारे इसके बने हुए हैं। अपाची काफका के रिलीज हैं और समरी है और काफ़ी कुछ है। अपाची काफका है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, वेबसाइट एक्टिविटी ट्रैकिंग है, वर्क नेटशेल है, मेन कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा
अपाची स्पार्क है, इसकी प्रोग्रामिंग गाइड्स आपको बता सकते हैं, एपीआई डॉक्यूमेंट्स हैं, पाइथन की देख सकते हैं आप इसकी, तो एपीआईज वगैरह पांडास एपीआई स्पार्क हैं, स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग है, मशीन लर्निंग की देख सकते हैं आप स्पार्क की, ट्रांसफार्मर्स हैं ठीक है जी, एस्टिमेटर है, मॉडल है और प्रिडिक्टर है, प्रिडिक्टर मॉडल है, पैरामीटर्स जो यूज़ हो रहे हैं, फीचर्स हैं, तो यहाँ से आप इसकी यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन की एपीआई रेफरेंस। उसके अलावा अपाची हडूप्स हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ लीजिए, लेटेस्ट देख लीजिए इसमें क्या आ रहा है ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, होपफुली ये चीज़ आपको आज जो मैंने डिस्कस की है ये आपको पसंद आई होगी। और डाटा साइंस इस वक्त मैंने बताया सबसे हाईली पेड जॉब्स है ठीक है जी। तो मेरा नाम अदनान मजीद है, मेरा मोबाइल नंबर पाकिस्तान का 9238487104 है, adnanmajeed82@gmail.com मुझसे ईमेल कर सकते हैं। कंप्यूटर लर्निंग सेंटर मेरा पेज है, यूट्यूब का चैनल है, फेसबुक का पेज है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया प्रोग्रामिंग फॉर डाटा साइंस, उम्मीद करता हूँ ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। हिट द बेल आइकन, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।